कृष्णा है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये दही पूरी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बाकी जगहों से थोड़ा डिफरेंट है, टेस्ट अच्छा है और बहुत सब कुछ यहाँ पे क्लीन दिख रहा है, घर घर के जैसा लग रहा है। यस, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आई, अदरवाइज मैं बाहर का खाती नहीं हूँ। बट इनको देख के, ये क्लीन देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, सो दैट्स वाई मैं इधर आई। बहुत बढ़िया है, टेस्ट है, ट्राई कीजिए, आइए और खाइए। थैंक यू। यहाँ पे मोमोज भी मिलते हैं, पनीर मोमोज और रेगुलर मोमोज रहते हैं, वेज मोमोज और पनीर मोमोज, वेज और पनीर घर पे बनाए गए, सारा कुछ घर पे। हाँ, ये भी घर पे ही बनाया हुआ खुद का ही। अच्छा। क्वांटिटी कम रखते हैं, जितना सेल होता है उसी हिसाब से क्वांटिटी बनाते हैं, फ्रेश माल देने का पब्लिक को। सही है, सही है। और पनीर में भी पूरी पनीर की फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं कि गोभी जैसे ये सब नहीं। अच्छा, पूरे पनीर और डूंगरी बस। नमस्ते मैम, रत्ना सोमानी। पानी पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी, दही वड़े, मोमोज, लहसुन की चटनी। अभी 2-3 महीना हो गए घर में, थोड़ा सा चल रहे हैं फाइनेंशियली। हाँ, मेरा सास है, ससुर जी और ननद है, हस्बैंड और बच्चे। आपके हस्बैंड के साथ ही? नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? राजीव सोमानी। राजीव जी, मेरी जॉब थी पर मेरे स्पाइन का सर्जरी हुआ अभी 3 महीना पहले, तो जॉब चली गई। ओके। इसीलिए घर से अभी ये बिजनेस, लोग का जो टैलेंट है खाने का, वो उसी को लेके जॉब। क्या क्या चीज़ें रहती है दहीपुरी में? दहीपुरी में आलू, प्याज, धनिया पत्ता, सेब और इमली, क्या बोलते हैं, खजूर की चटनी। अच्छा, धनिया की चटनी। क्या क्या? दही, दही अमूल का यूज़ करते हैं? अमूल का यूज़ करते हैं, अभी दही करते हैं। सारी चटनी वगैरह घर पे बनाते हैं? सब कुछ घर पे, लहसुन की चटनी भी घर पे बनाती हूँ। अभी मैं चाट, उसका भी चाट का भी सोच लूँ, चाट वो सब करूँगी अभी। स्टार्टिंग चाट के आइटम से सारी। पानी पूरी रेडी हो रही है, कितने पीस आते हैं? 6 पानी में 1 मसाला। 20 रुपए की। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं। प्योर पुदीने का टेस्ट आ रहा है इसमें, जैसे हम बाहर लारे की नॉर्मल खाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से बहुत खट्टा है तो बहुत तीखा पानी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एकदम घर जैसा आप खा रहे हो ना ऐसा तो आपको लगेगा। ऊपर से यहाँ पे एकदम क्लीनलीनेस का ध्यान भी रख रहे हैं, ग्लोव्स भी पहन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पानी पूरी है। एक बार अगर आप ये एरिया में आते हो तो ज़रूर विजिट करें, भैया से एड्रेस पूछ लेते हैं। और एड्रेस बता दीजिए ना एग्जैक्ट यहाँ का एक बार। जय अम्बे बाजीपाव की गली में ठीक अपोजिट साइड। एरिया कौन सा रहता है? केके नगर रोड, प्रभात चौक के पास। तो ज़्यादातर जय अम्बे पाव भाजी के एग्जैक्ट सामने खड़े रहते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ ना मिले तो वहाँ आगे शॉप का काम चल रहा है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे श्याम पकौड़े सेंटर मिल जाएंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। आपको पानीपुरी सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसे फ्रेंड्स को आप टैग करना मत भूलिएगा जिसके साथ आप रेगुलर पानीपुरी खाने जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी नए शहर में, किसी नए स्ट्रीट फूड वेंडर की स्टोरी के साथ, या तो काठियावाड़ी थाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।